छठी माता की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेनाथ कृपा चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको हर षष्ठी के दिन सुनी जाने वाली 6 बेहद ही प्रचलित कहानियां सुनाने जा रही हूं। पूजा करने के बाद, कृष्ण जी की, बलराम जी की पूजा करने के बाद यह कहानियां जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर षष्ठी के नाम से मनाया जाता है। इसे बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस साल हर षष्ठी का व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। इसे कुछ जगहों पर ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। हर षष्ठी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज हल छठी के दिन हल से जोती हुई कोई भी चीज़ पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उसे नहीं खाना चाहिए। गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का पूजा में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही प्रसाद उससे बनाना चाहिए। हल छठी के दिन भैंस के दूध को उपयोग में लाया जा सकता है तथा इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन महिलाएँ तिन्नी के चावल और महुआ और भैंस के दूध के दही बनी हुई जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल करती हैं। तो गणेश जी का नाम लेकर चलिए कथा शुरू करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कथाओं को, कहानियों को प्रसन्नचित मन से, स्नेह के भाव से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए गौरीपुत्र गणेश का नाम लेकर कहानी शुरू करती हूँ। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर, नर, मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया। क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी को एक पुत्र पैदा हुआ। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेलखाने पहुँचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत करो जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हल षष्ठी व्रत की पहली कहानी। बहुत समय पूर्व चंद्रवित नामक एक प्रतापी राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे।
राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया है। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे चाहे ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत कथा और पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल छठी माता का व्रत करने लगी। हल छठी माता के व्रत की दूसरी कहानी। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान नहीं थी। सौत के 2 लड़के को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तभी मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाना तथा दीर्घायु प्रदान करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था, सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई हैं। इसे हल षष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर गई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगीं और उसी दिन से सभी हल षष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगीं। हल षष्ठी माता की तीसरी कहानी। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हल षष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माता माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हालचाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ।
यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हल षष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के पांचों पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करने लगी, अतः अब उसका जीवन भी सुखमय हो गया। हल षष्ठी माता की चौथी कहानी। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके दो सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के पांच लड़कियां थी। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को देख बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास के छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों को का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चे को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में पांच स्त्रियों को पूजा करते देख उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित हो गई और पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई। हल षष्ठी माता की पांचवी कहानी। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित नहीं रहे। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्व की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहां एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हल षष्ठी माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें, तो इस क्रिया में मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हल षष्ठी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वाणिक पत्नी के सदैव हल षष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लिया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हल षष्ठी माता की छठवीं कथा। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ति नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय के साथ गंगा स्नान को गया।
वहां उसे गाह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को बाढ़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भार से लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धराती ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धराती पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी माँ धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन मैं वन में आई थी तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान पार्वती गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती हूँ। एक दिन रात्रि में शिवजी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है किंतु तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उससे और लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाह के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा कृष्ण जी ने इसके बारे पूरे विधि विधान से व्रत के बारे में बताया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करें। नदी तालाब कुएं के जल से स्नान कर एक बार का धुला हुआ कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीपकर चौक बनाकर हल षष्ठी माता की मूर्ति बनाएं या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा या कुश या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर के पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोता रखें। कलश तथा गणेश जी की कृपा का स्थापना करके हल षष्ठी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बना उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानियां पढ़ें या सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान का प्रयोग करें और भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर ना चलें। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में से मृत बालक को जीवित पाया जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी ये व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, ये हल छठी माता की 6 कहानियां हैं। आमतौर पर 6 कहानियां एक साथ नहीं मिलती। हल छठ के व्रत में 6 कहानियां कहने का विधान है। मेरी यह एक कोशिश पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।